संजू उर्फ सुनीता देवी हत्याकांड में प्रेमी सिंटू गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। प्रेमी सिंटू ने किया 28 नवंबर को आकाश के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग। 29 को संजू देवी को बुलाकर कर दी हत्या। सिंटू ने स्वीकृत बयान में पुलिस को बताया कि हत्या में पूर्व संजू देवी के साथ बनाए थे शारीरिक संबंध। आकाश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कर दिया था पूरे मामले का उद्भेदन। सिंटू का मोबाइल भी पुलिस ने किया था बरामद। उक्त मोबाइल से ही सिंटू ने आकाश व संजू देवी को किया था फोन। नवगछिया के विसाई टोला निवासी संजू उर्फ सुनीता देवी हत्याकांड में नवगछिया पुलिस ने महिला के प्रेमी विसाई टोला निवासी सिंटू पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। सिंटू के पास से उसका मोबाइल भी बरामद किया गया है, जिससे उन्होंने आकाश एवं सिंटू से बातचीत कर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। सिंटू पासवान को पुलिस ने खगड़िया जिले के भरतखंड से छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सिंटू ने हत्याकांड की बात पुलिस के पूछताछ में स्वीकार की। पुलिस के पूछताछ में उसने यह भी स्वीकार किया है कि संजू देवी की हत्या के पूर्व उसके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे। एसडीओ दिलीप कुमार ने कहा कि 30 नवंबर को मिले अज्ञात शव की शिनाख्त संजू देवी उर्फ सुनीता देवी के रूप में हो जाने के बाद उन लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू कर दिया था। हत्याकांड का रहस्य परत दर परत खुलता चला गया। पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। संजू देवी हत्या में पहले हत्याकांड में शामिल भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र के साधु गोपलैन निवासी घोटन पासवान के 18 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। आकाश के पास से पुलिस ने मृतक महिला का मोबाइल फोन भी बरामद किया था। आकाश की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड की पूरी कहानी पुलिस ने सामने लाई। आकाश ने संजू देवी की हत्या की बात को स्वीकार करते हुए इस घटना में सिंटू पासवान के भी शामिल होने की बात कही। एसडीपीओ ने बताया कि सिंटू एवं आकाश दोनों के अवैध संबंध महिला के साथ थे। सिंटू एवं आकाश का महिला के घर लगातार आना जाना होता था। सिंटू और आकाश मृतक संजू देवी और उसकी पुत्री के मोबाइल पर बराबर बात किया करता था। सिंटू का संजू देवी के साथ नाजायज संबंध थे। सिंटू की शादी 25 नवंबर को हुई थी। संजू देवी सिंटू की शादी का विरोध करती थी। इसी कारण से अपने पुराने संबंध के कारण उसका पारिवारिक जीवन खराब हो गया था, जिसके बाद संजू देवी की साजिश के तहत हत्या कर दी गई। इसमें आकाश का सहयोग लिया गया था। सिंटू पासवान ने पुलिस को बताया कि 28 नवंबर को ही उन्होंने आकाश के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग की थी। एसडीपीओ ने कहा कि सिंटू स्वीकार किया है कि पूरी प्लानिंग के तहत 29 नवंबर को संजू देवी को फोन कर बुलाया गया। इसके बाद मृतक महिला के साथ रात में शारीरिक संबंध बनाए गए, जिसके बाद आकाश के साथ मिलकर संजू देवी की गला घोट कर हत्या कर दी गई। 30 नवंबर को महिला का शव बरामद किया गया। चार्जशीट समर्पित कर स्पीड ट्रायल के तहत दिलाई जाएगी सजा। नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि मृतिका संजू देवी के हत्याकांड का पुलिस द्वारा उद्भेदन किया गया। इसके बाद घटना में शामिल दोनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। हत्याकांड में पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध है। हत्या से पूर्व महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था, जो कि जघन्य अपराध है। इस हत्याकांड में जल्द ही पुलिस चार्जशीट दाखिल कर हत्यारों को स्पीड ट्रायल के तहत सजा दिलाएगी। हत्या के उद्भेदन में शामिल पुलिस टीम होंगे पुरस्कृत। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि संजू देवी हत्याकांड में पुलिस टीम ने लगातार कार्य कर पूरे मामले का उद्भेदन किया। इस घटना में उद्भेदन के में शामिल पुलिस टीम को एसपी महोदय के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। और ये प्लान के तहत उसको फोन करके बुलवाते हैं और इनके कन्फेशन के आधार पर ये महिला के साथ पहले अवैध संबंध भी बनाते हैं और उसके बाद में उसकी हत्या कर देते हैं। तो एक जघन्य अपराध है, काफ़ी ही जघन्य अपराध है, और इसका उद्भेदन हम लोगों ने 2 से 3 दिन में कर दिया है और इस केस का अनुसंधान लगभग पूर्ण है। तो जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट करके और पुलिस अधीक्षक महोदया का ये है कि इसमें स्पीडी ट्रायल चलाया जाए और जल्द से जल्द इनको सजा दिलवाया जाए। पुलिसकर्मियों को क्या पुरस्कृत? जो टीम के सदस्य हैं वो काफ़ी लगन मेहनत से काम किए हैं, तो इसमें एसपी मैम के द्वारा कहा गया है कि जो भी टीम के सदस्य हैं सबको पुरस्कृत किया जाएगा। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार।
ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371177 7325052437।